तो अब वन क्रॉस वन कॉन्वॉल्यूशन करेंगे इन्वर्टिबल वाली। अब इसमें इन्वर्टिबल वन क्रॉस वन कॉन्वॉल्यूशन सिंपल क्या चीज़ है, वन क्रॉस वन कॉन्वॉल्यूशन कैसी होती है ये पता है? उसको इन्वर्टिबल बना दिया, ठीक है। जैसे थोड़ा हाँ, दो कॉन्टेक्स्ट दो। कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, रुको। ठीक है, दोस्त। हाँ, तो अभी ड्रॉ करो। तो जैसे अब ये इमेज है ना, कितने, 3 चैनल वाली इमेज है, ठीक है। तो वन मतलब नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन के साइज ऐसे होते हैं आपके, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब वन क्रॉस वन कॉन्वोल्यूशन क्या करता है, कहता है कि मेरा साइज सिर्फ इतना सा है, ठीक है। इसी ये छोटे से कॉन्वोल्यूशन को आप ऐसे ऐसे लेके जाओगे पूरा इधर, ठीक है, जैसे होता है, हर जगह ऐसे घुमा के लेके जाओगे। और ये कन्वल्यूशन क्या चीज़ करता है कि ये जैसे 3 चैनल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नंबर है ना। तो यहाँ पे जैसे मतलब मान लो X1, X2, X3 है, ठीक है। अब इन तीनों का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके, जैसे अगर आपके फाइनल जो वन क्रॉस वन कॉन्वोल्यूशन हो उसके बाद जो इमेज आए उसके अंदर अगर आप चाहते हो कि 3 ही चैनल रहे, तो इन तीनों का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा वन बाय वन का कर्नल, ठीक है। क्या करेगा, डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। और ये डब्ल्यू कितने डायमेंशन का होगा, 3 क्रॉस 3 डायमेंशंस का, ठीक है, 3 क्रॉस 3 डायमेंशन का होगा। 3 का 3 डायमेंशन का डब्ल्यू होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये वाले पिक्सल से, फिर ये वाले पिक्सल से होगा, फिर ये वाले पिक्सल से होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते आपके पास आउटपुट के अंदर एक नई इमेज आ जाएगी, ठीक है, जो कि मतलब इतने साइज 3 चैनल वाली होगी, ठीक है। अब अगर आपको 4 चैनल वाली इमेज चाहिए थी, तो आप ये 4 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये वन क्रॉस वन कॉन्वॉल्यूशन है, ठीक है। वन क्रॉस वन कॉन्वॉल्यूशन पता चल गई है क्या है? हाँ हाँ, तो अब वन क्रॉस वन कॉन्वॉल्यूशन की बजाय वो देखेंगे कि वन क्रॉस जो इन्वर्टेबल कैसे करना है इसको, ठीक है। इन्वर्टेबल वन क्रॉस वन कॉन्वर्जन मतलब कि जो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वो डब्ल्यू इन्वर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वर्टेबल होने के लिए पहले तो वो होना चाहिए कि 3 क्रॉस 3 का एन बाई एन का मैट्रिक्स हो, ठीक है। एन बाई एन प्लस वन या एन प्लस टू के मैट्रिक्स को इन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अभी देखोगे आप कि क्या चीज़ है कि यहाँ पे डायमेंशन कॉम कॉमा डायमेंशन साइज का मैट्रिक्स एक हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन क्रॉस डायमेंशन साइज का मैट्रिक्स बनाया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाया और वो क्यू को साइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो बन गया है, ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कि जो अभी तक सारी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी उन सब का जब हमें लॉग डिटरमिनेंट निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, सीधा यहाँ पे सम, ठीक है, सम किया एस का, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एस पे एस को एक्सपोनेंशियल में चढ़ा रखा था, तो यहाँ पे लॉग से एक्सपोनेंशियल कट जाता था, हम सिर्फ सीधा सम करते थे और हमारे पास लॉग डिटरमिनेंट आ जाता था, ठीक है। और ये कभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता था या फिर कोई ऐसा मैट्रिक्स बन जाता था जिससे हमें
वो नहीं करना पड़ता था, क्या होता है डायगनल मैट्रिक्स बन जाता था, है ना, हमें एक्चुअली डिटरमिनेंट का भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था, हम बस डायगनल एलिमेंट्स का सम कर देते थे। लेकिन अच्छा जब हम पूरे एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे डब्ल्यू एक्स वाले मैट्रिक्स से, तो हमें पूरा डिटरमिनेंट असली में निकालना पड़ेगा, ठीक है, पूरा मैट्रिक्स प्रिजर्व हो रहा है पूरा मैट्रिक्स पूरा। हमको प्रिजर्व होगा, ठीक है, तो हमें असली में डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा अब डब्ल्यू का, है ना। और डिटरमिनेंट निकालने में कितना टाइम लगता है, डिटरमिनेंट निकालने में हमें लग जाएगा उतना ही ऑर्डर ऑफ वो जो होता है ना क्यूब क्यूब में लग जाता है, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब का टाइम लग जाता है हमें डिटरमिनेंट निकालने में, ठीक है, क्यों क्यों नहीं है डिटरमिनेंट है नहीं, क्या x1 इंटू x2 माइनस x3 करोगे अलग है। दो सेकंड रुको क्या हुआ, हाँ डिटरमिनेंट निकालने में कितना टाइम लगता है, मतलब अगर लेट्स से टू दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अरे तो आप उसमें लगता है आप मतलब देख लेना रिकर्जन से हाँ दो कैलकुलेट, ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो क्या हाँ एन बाय एन उसको के इफेक्ट मैट्रिक्स के अंदर उतना लगता है टाइम, एन टू द पावर एन एन क्यूब, एन एन क्यूब क्यूब नहीं जहाँ मतलब ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, अरे डिटरमिनेंट का फॉर्मूला दिखाता है उसमें एन फैक्टोरियल टर्म होती है, तो एन टू द पावर एन ही होना। हाँ मतलब एन फैक्टोरियल वाली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना, ठीक और मतलब उसको पैरेललाइज भी नहीं कर सकते आप जीपीयू के ऊपर, जैसे क्या चीज़ पैरेललाइज हो जाती है, जैसे वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लगता है, हाँ सॉरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लगता है ना, और लेकिन वो पैरेललाइज हो जाती है जीपीयू के ऊपर, तो वो ऑर्डर ऑफ वन ही हो जाता है उसका टाइम, ठीक है, लेकिन जो डिटरमिनेंट होता है उसके अंदर ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल जैसा टाइम लगता है और वो पैरेललाइज भी नहीं होती, क्योंकि हाँ छोटे वाले सीक्वेंस जैसे रिकर्जन वाली चीज जो होती है ना वो जीपीयू पे पैरेललाइज नहीं हो पाती, फॉर लूप वाली चीज पैरेललाइज हो जाती है आसानी से, ठीक है, तो डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो अब हम जिससे हमें डिटरमिनेंट ज़्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है, वो तरीका ये है कि हम एलयू डिकम्पोजिशन करेंगे अपनी मैट्रिक्स की, ठीक है, हमारा मैट्रिक्स जो हमने क्यू था, ठीक है, जो क्यू मैट्रिक्स था उसका एलयू डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है, एलयू डिकम्पोजिशन क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एलयू डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि हम एक मैट्रिक्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे ए टाइम्स एलयू की तरह लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, तो ये बेसिकली करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की तरह लिख रहे हैं, जहाँ पे एल वाला मैट्रिक्स है वो कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और यू वाला मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये मतलब एक तो पहली बात तो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को इस प्रोडक्ट की तरह कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम मतलब दूसरी बात कुछ नहीं है, ठीक है, पहली बात ये है बस कि किसी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एलयू जो डिकम्पोजिशन करके डिटरमिनेंट निकालना इजी हो सकता है है, बट डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, फिर डिटरमिनेंट क्या नहीं हुआ, मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। अभी डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे बताता हूँ, ठीक है, दो से ये अभी सबसे पहली बात तो ये है कि एलयू डिकम्पोजिशन कर लेंगे, ठीक है, तो इन्होंने भी पहले क्या किया है, एलयू डिकम्पोजिशन किया है, यहाँ पे पी एल यू आ गया इनके पास, और एस जो है ना मतलब एस यहाँ पे पी एल यू आउटपुट में आया पहले, तो इनके पास रुको दिखाता कहाँ है, यहाँ पे पी एल यू आउटपुट में आया है, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे ये कि पी को तो पी रहने देंगे, ठीक है, एल पी क्या चीज़ है वो देख रहे हो एक बार, पी वो है कि जैसे एलयू डिकम्पोजिशन किया है लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में तोड़ा है ना, कोई भी मैट्रिक्स टूट तो जाता है, लेकिन एक मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो ए वन वन जीरो है, ठीक है, तो
इसका मतलब क्या हुआ कि L1 मतलब जब ये वाली रो को, पहली रो को और इस वाली कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि L11 इंटू U11 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 0 होने का मतलब क्या है कि इन दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, मतलब कि मान लो U11 0 है, ठीक है। तो ये 0 हुआ तो ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, है ना। तो ये तीन एलिमेंट 0, तो ये वाले का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ये वाले मैट्रिक्स का, राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का। इसका डिटरमिनेंट जब 0 होगा तो ये LHS वाले का भी डिटरमिनेंट 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ऐसे डिकम्पोजिशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब हर मैट्रिक्स को, ये पहले तो एक चीज बताता हूँ कि हर मैट्रिक्स को ऐसे क्यों तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास देखोगे, हमारे पास ऐसी अगर आप मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस लिखते जाओ, ठीक है, कि पहले पहली रो को इधर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो और उसको इज इक्वल टू A11 लिख दो, फिर इस रो को ही इससे मल्टीप्लाई करो और उसको इज इक्वल टू A12 लिख दो, ठीक है। फिर A13 के लिए आप इस रो को ही, ये वाली रो को, पहली रो को ही ये तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो और इज इक्वल टू A13 लिख दो, ठीक है। फिर ऐसे करते करते हमारे पास कितनी इक्वेशन आ जाएगी, 9 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास अननोन कितने हैं, 3 क्या, नहीं इस केस में L में, हाँ L और U दोनों मिला के कितने अननोन है, सारे दोनों सारे हमें अननोन है, 1 2 3 4 5 6 हाँ 12 अननोन है, ठीक है। तो 12 अननोन, 9 इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे हम एक सॉल्यूशन तो कम से कम मिल ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी ये वाला सॉल्यूशन हमें क्योंकि नहीं चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर एक का डिटरमिनेंट 0 हो जाए, तो मतलब ऐसे ये वाला सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, कि इधर डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो LHS वाला मैट्रिक्स है इधर, इसको इसकी रोज हम आपस में कुछ फ्लिप करेंगे इस तरीके से कि जो पहला एलिमेंट है ना A11 वाला, वो 0 ना रहे, ठीक है। अगर A11 0 नहीं रहेगा तो L11 इंटू U11 को 0 नहीं होना पड़ेगा, जरूरी नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाली चीज भी नहीं आएगी कि L11 या U11 में से एक 0 हो, ठीक है। अगर A21 0 हो, है ना, तो हमें उसमें से उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि A21 जो है ना, वो किसके मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, L21 इंटू U12 प्लस L21 इंटू U12 प्लस L22 इंटू U22, ठीक है, इस चीज के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है A21, ठीक है। अब जब हमने अब A21 अगर 0 हो गया, तो यानी L21 इंटू U12 प्लस L22 इंटू U22 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज हमें 0 है, तो इससे कोई ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि L21, L22, U22, U21 में, U12 में से कोई एक 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर L11 इंटू U11 0 हो गया, तो फिर हमारे को एक तो 0 होना पड़ेगा, और इन दोनों में से एक अगर 0 हुआ भी, तो फिर एक मतलब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाएगी कि एक रो या एक कॉलम जो है वो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को 0 होने भी नहीं दे सकते, जो L21, L22, U21, U22 है, इन दोनों में से कोई मतलब एक 0 हो जाए तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक है। अब नहीं तो फिर सॉल्यूशन की 0 नहीं हो सकता, मतलब अभी अगर हम ए मैट्रिक्स में नहीं हो सकता, में से कोई भी एलिमेंट 0 नहीं, क्या हुआ, ए मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता, नहीं ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, A11 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर A12 0 हो गया, A12 0 हो गया तो A12 किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, L22 और U12 का, नहीं इसका L22 और U22 का, L11 into U12 का है ना, किसका पूछे तुम, A12, हाँ A12, तो हाँ, पहले हाँ. पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स का, हाँ. तो L11 into U12 is equal to A12, हाँ. है ना। तो अब जो है
A12 जो है हमारे पास है ना, अगर वो जीरो है ना, तो L11 और U12 में से एक जीरो होना चाहिए, इसका मतलब हुआ है ना। L11 नहीं हो सकता। L11 नहीं हो सकता, U12 को जीरो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेकंड वाले का डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही रहेगा, ठीक है। बट अगर फिर इस केस में अगर उस केस में A1 अगर A1 U22 भी जीरो हो भी गया, हो कुछ ऐसा जाए हो ओके। के, हाँ है ना, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो तो यानी इसमें काफी काफी सारे सारे सॉल्यूशन सॉल्यूशन। रहेंगे जिनसे हमें बच के रहना है, ठीक है। अच्छा हाँ तो अभी अभी हम सिंपल एक मतलब ये जो पी मैट्रिक्स है ना, वो एक परमुटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। परमुटेशन मैट्रिक्स की यानी कि वो क्या करता है कि आपस में ये जो रोज है ना, ये एक ही रोज है, इनको आपस में फ्लिप कर देता है, ठीक है। अब मतलब कुछ ऐसी चीज है कि एक फ्लिपिंग एग्जिस्ट करेगी इन रोज की, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास पॉसिबल होगा एल और यू के अंदर तोड़ना, ठीक है, इस तरीके से कि डिटरमिनेंट किसी का भी जीरो ना हो, एल का भी जीरो ना हो, यू का भी जीरो ना हो, ठीक है। तो वो पी वो वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, जो फ्लिप करने का मैट्रिक्स है। फ्लिप करने का मैट्रिक्स दिखता कैसा है, अगर सोचना चाहो तो वो वैसा दिखेगा जैसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना, उसकी रोज आपस में फ्लिप कर दो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रोज आपस में फ्लिप करो, फिर जो मैट्रिक्स है आपके पास ना, उसको आप ये ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स के रोज फ्लिप करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे 1 0, रुको ऐसे दिखेगा नहीं सही। 100 हाँ यहाँ पे रुको, 1 0 0, ठीक है। अरे यार देखें, तुम ये स्टाइलस से बना रहे हो तो इतना क्यों खराब राइटिंग आ रही। अरे ये ना क्रोम के एक्सटेंशन में खोल रखा है 001, ठीक है, और ये 101, ठीक है। अरे नहीं, 101 नहीं, 100 00, 100 अरे यार आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ये जब आप ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके जो आउटपुट सेम आएगा आएगा। ना, मतलब वो रोज स्लिप होके आएगी, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। तो ये पी मैट्रिक्स था, ठीक है, परमुटेशन। इसको हमें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस अभी ये एक मतलब एग्जिस्ट करेगी, हमें बस यही काफी है, ठीक है। और अब एल मैट्रिक्स कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर वाला। एस मैट्रिक्स जो है ना, वो हमने क्या किया है कि जो अपर एक, तो मतलब इसके बाद जो अब हमने ये कह दिया था ना कि ये एग्जिस्ट करेंगे ऐसे बहुत सारे, मतलब जब हम ऐसी एक फ्लिपिंग ढूंढ लेंगे ना रोज की, जिसके अंदर ये, जब मान लो हमने ऐसी एक फ्लिपिंग ढूंढ ली जिसके अंदर राइट साइड के दोनों मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जो था वो जीरो नहीं है, ठीक है। अब ऐसी नॉन फ्लिपिंग, जीरो हाँ, दोनों मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। ऐसी फ्लिपिंग के अंदर भी हमारे पास एक चीज रहेगी कि दोनों जो वो है ना, क्या है, क्या है, रुको, क्या रहेगा ऐसी फ्लिपिंग के अंदर, कि अभी भी हमारे पास वो वाली चीज है कि हमारे पास 12 वेरिएबल और 9 इक्वेशन है, ठीक है ना। हाँ सब हाँ तो अब हम क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल ना खुद ही चुन देंगे, L11, L22, L33। इन तीनों को अपनी मर्जी से 1 डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इन तीनों को 1 डालेंगे ना, तो बाकी सारे एलिमेंट्स हम अपने आप डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। हमें L11 पता है 1 है, ठीक है, तो यानी L11 इंटू U11 A11 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 × U11 इज इक्वल टू A11, ठीक है। तो U11 की वैल्यू क्या आएगी, A11 के बराबर, ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते ना, अभी हमने U11 की वैल्यू निकाली, अब हम ऐसे करते करते L21, L31, L32, U12, U13, U23, इन सब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। बाकी जितने भी 9 वेरिएबल बचे हैं, ठीक है, तो ऐसे है, ये एलयू डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने क्या किया है कि ये NN डॉट पैरामीटर बना दिया एल का, मतलब कि इसको ग्रेडियंट्स आएंगे एल को, ठीक है, पी को ग्रेडियंट्स नहीं आएंगे, हैं एलयू अनपैक में ऊपर एलयू आ गया ना, क्या। ऊपर एलयू अनपैक में एलयू आ गया, इधर ही हाँ, ट्वेंटी LU टू वन unpack नाइन के अंदर, हाँ LU आ गया, ठीक है।
अब लेकिन हमें क्योंकि हम अपने मैट्रिक्स को, ये वाले मैट्रिक्स को जो है किसकी मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल और यू के मल्टीप्लिकेशन की वजह से, मल्टीप्लिकेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अब इस वाले मैट्रिक्स को ऑप्टिमाइज करने की बजाय एल और यू वाले मैट्रिसेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देख लो, ये एल है, ये यू है, एस एस मैट्रिक्स क्या है, जो यू का डायगनल वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, जो यू के डायगनल एलिमेंट्स रखो, और ये सारे U12, U13, U23 को जीरो कर दो, तो वहाँ आपके पास आएगा एस मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन्होंने यू मैट्रिक्स को अलग तरीके से डिफाइन किया है, जो ये अपर ट्रायंगुलर वे डायगनल इज इक्वल टू 1 डाला है ना, ये डायगनल इज इक्वल टू 1 है आर्ग्यूमेंट, ये क्या करता है, ये कहता है कि डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब जब डायगनल इज इक्वल टू 1 का है ना, तो यानी डायगनल एलिमेंट से 1 की धुरी से चालू हो और जितना ऊपर जा सकते हो वहां तक सारे एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। तो एक तरीके से जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास, यू वाला मैट्रिक्स, इसको हमने दो तरीके, दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक पार्ट हो गया एस जिसके अंदर डायगनल एलिमेंट्स जो है वो U11, U22, U22, U33 है, और बाकी सारे जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट हो गया जिसको हम बोल रहे हैं नया यू, ठीक है। वो नए यू के अंदर क्या है, U11, U22, U33 और जो नीचे वाले लोअर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट्स थे वो सारे जीरो है, ठीक है। यानी लोअर ट्रायंगल के साथ डायगनल वाले एलिमेंट्स भी जीरो हो गए, और U12, U13, U33 एज इट इज है, ठीक है। तो ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है, एस और यू, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। अब इससे एक फायदा क्या हुआ है ना, कि हमारे अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनी है, ठीक है, हमारा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना किसके बराबर हो गया है ना, हमने यहाँ पे डब्ल्यू बनाया था अपना, और हमने डब्ल्यू को तोड़ लिया है, ठीक है, पी एल यू के अंदर। तो जब हमने पी एल यू के अंदर तोड़ लिया, तो हमारा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना किस चीज़ के बराबर हो गया, यहाँ पे देखेंगे अभी फॉरवर्ड, हमें डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू प्लस ये यू, मतलब जो दो पार्ट्स में तोड़ा था यू को, उनको पहले आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, फिर एल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एट द रेट है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है, फिर एल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो पी इंटू एल इंटू यू किया है ना, इससे हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमें पता है कि एक्स वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अगर आप देखोगे, मतलब जब एक्स इंटू डब्ल्यू है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू पी इंटू एल इंटू ये मॉडिफाइड यू, ठीक है, पी इंटू एल इंटू यू प्लस एस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि डब्ल्यू का डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर होगा, ये इस वाली चीज़ के डिटरमिनेंट के बराबर, ठीक है, इस वाली चीज़ के अंदर डिटरमिनेंट जो है, पी का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 1 होगा मान लो, ठीक है, डिटरमिनेंट कहाँ कैलकुलेट हो पी रहे का हैं? है नहीं, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कहीं कैलकुलेट नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा डिटरमिनेंट, ये नहीं, जो डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं हम। अभी हमें डिटरमिनेंट डब्ल्यू का कैलकुलेट करना था, ठीक है, अभी हमने उसको तोड़ दिया कि हमें आरएचएस का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस वाली प्रॉब्लम को हम फर्दर तोड़ेंगे, ठीक है, कि इसका डिटरमिनेंट इंटू इसका डिटरमिनेंट इंटू इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इस वाली चीज का डिटरमिनेंट क्या होगा, इसमें इसका डिटरमिनेंट ना 1 होगा, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप बाद में कैलकुलेट कर लेना, आपको इसकी नेचर तो पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, रो स्लैब का सेट अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और एल वाला जो है, एल वाला क्या चीज़ है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी डायगनल एलिमेंट सारी 1 है, ठीक है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो है कैसे करते हैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट, है वो डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, और डायगनल एलिमेंट सारे 1 है, तो एल का डिटरमिनेंट भी हो गया 1। अब ये तीसरी वाली टर्म का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तीसरी वाली टर्म का डिटरमिनेंट क्या होगा, इन दोनों का सम कर लो पहले तो, ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर हाँ मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, पर्टिकुलर मैट्रिक्स यही वाला सेम बन जाएगा जिसको हमने दो पार्ट में जोड़ा था, यही सेम बन जाएगा ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वो डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ठीक है ना। तो अब जी यानी ये W का डिटरमिनेंट जो था वो किसके बराबर था, इसके डिटरमिनेंट के बराबर इंटू वन इंटू वन, और इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर हो गया, इसके डायगनल एलिमेंट्स के जो यू वाला मैट्रिक्स है उसके डायगनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ठीक है। अब डायगनल है एल का भी तो डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन ही है एल एल का जी का। डिटरमिनेंट क्या है, उसके डायगनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ठीक है। लेकिन आज एल तुमने के, वन हाँ क्यों बोला? अच्छा तो एल के डायगनल एलिमेंट्स सारे क्या हमने सेट कर दिए थे, वन सेट कर दिए थे है ना। क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाँ यहाँ पे वन सेट कर दिए थे क्योंकि हमारे पास 12 वेरिएबल थे है ना, और नौ इक्वेशन थी, तो हमने ये 3 वेरिएबल 1 सेट कर दिए थे ठीक है। तो एल का डिटरमिनेंट डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ, डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 1 है ठीक है क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही डायगनल के 1 है। अब इसमें डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है यानी, और डायगनल एलिमेंट्स सारे एस के अंदर है ना, तो यानी एस के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है ठीक है, उससे डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है। अब ये चीज जो है ना ये सेम यही चीज बन गई है, मतलब यहाँ पे मतलब वही डॉट डॉट सम वाली चीज आ गई है हमारे पास दोबारा ठीक है, ऐसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो गया। तो ये अब सही है। ठीक है, दो तो सेकंड रुको। हमने एक्स दिया और फिर जी बना लिया। ये तो हमारा फॉरवर्ड था ना, जो तुम्हारा एज इट इज पैरेलल था इस क्या लिया हमने एस ले, एक्स जेड जेड बना दिया। हाँ एक्स लेने का जेड लेने, एक्स से जेड बनाने का तरीका तो वही है, बस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है ठीक है। हाँ और डब्ल्यू इन्वर्टेबल है तो इनवर्स निकालते समय मल्टीप्लाई, मतलब जब हम जनरेट करते होगा डब्ल्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। अब हमें हर बार लेकिन डब्ल्यू इनवर्स कैलकुलेट करने के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, इनवर्स कैलकुलेट करने के अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लगती है ना। जो इनवर्स के अंदर भी जैसे ए बट इनवर्स का आई फॉर्मूला होता है, जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है उसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए भी होता है ना। थिंक हाँ तो फिर इन्वर्स कैलकुलेट करने में बड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं क्योंकि जब हमने लर्न कर लिया तो डब्ल्यू एक बार में फिक्स हो गया, तो डब्ल्यू फिक्स हो गया तो डब्ल्यू इन्वर्स फिक्स हो गया, अब हमें दोबारा दोबारा डब्ल्यू इन्वर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है हमें ऐसे जरूरत नहीं बैकवर्ड के अंदर का ना, है, डब्ल्यू चेंज नहीं होगा। डब्ल्यू चेंज होगा मतलब जब हमने एक एक बार फॉरवर्ड पास में क्या कर रहे थे, एक्स से एक्स लेके जेड बना रहे थे ठीक है, और जेड कैसे बना रहे थे, 1x1 कन्वर्जन का इस्तेमाल करके। 1x1 कन्वर्जन किसके बराबर है, हर पिक्सल के सारे चैनल्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद डब्ल्यू के बराबर है ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे हर चैनल की सारे हर पिक्सल के सारे चैनल्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसे जेड बनाया ठीक है, एक्स से जेड बनाया अभी ठीक है, ये 1x1 कन्वर्जन है ठीक है। अब इसमें डब्ल्यू को चेंज करना है, मतलब जब हम एक्स से जेड बना रहे हैं और जब जेड से एक्स बनाना होगा तो ये इस वाली इक्वेशंस में जेड से एक्स बनाना है तो जेड को डब्ल्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो इसलिए डब्ल्यू इधर यहाँ पे डब्ल्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है जेड को, बस एक्स आ जाएगा। अभी ये पूरा कॉन्वोल्यूशन की तरह ये हिलेगा अपने आप नहीं, हम इसको खुद को हिलाना पड़ेगा। अभी ये बस सिर्फ एक्स जो है ना वो एक पिक्सल के सारे चैनल्स की वैल्यू है और वो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है ठीक है। अभी हम समझ एक एक करके सारे पिक्सल भेजने पड़ेंगे, सारे पिक्सल पैरेलल भेज सकते हैं ठीक है। ये जो एट द रेट होता है ना ये एक तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो करता है लेकिन बैच मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता है, तो आप सारे पिक्सल्स का एक बैच बना के भेज सकते हो, फिर वो सारे पिक्सल्स एक साथ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो ये जाएंगे ठीक कितना है। बिल्कुल है ये एट द रेट वाला 10 का व्हाइट हाउस का, ये आवाज आई, बोलो क्या हुआ। एट द रेट वाला व्हाइट हाउस का ये हाँ ये एट द रेट वाला पाइटॉर्च का ही है ठीक सही है काफी। है। और ये इसको 1x1 के क्यों बोला, मतलब ये वन समझ क्रॉस नहीं वन क्यों आया। बोला, अरे क्योंकि वो फोटो नहीं दिखाई थी आपको,
जैसे देखो ये वाली दो सेकंड रुको, ये दिख रही है फोटो, इधर रुको फिर दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं तो इसमें बेसिक नहीं, मतलब अपन इसमें कोड में पूछ रहा हूँ, इस कोड में हाँ, काम हो रहा अरे नहीं, ये वाले कॉन्वोल्यूशन को क्या बोलते हैं जिसमें ये कॉन्वोल्यूशन फिल्टर का साइज होता है, ये 2x2 होता है ना, ठीक है। है ना। तो अब जब हम इतने से पे लगा रहे हैं तो ये कौन सा कॉन्वोल्यूशन है, जब एक ही पिक्सल के ऊपर लगा रहे हैं, 1x1 कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है। हाँ बट मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें कोड में कोड कहाँ में, पे ये कोड में रिफ्लेक्ट 1x1 होगा। किस है, वो उस पे है कि जो एक्स है ना, जो कोड हाँ पे है एक्स, वो इमेज नहीं है, ठीक है, वो एक पिक्सल है। यहाँ पे आप ये देखोगे ना, इधर जो एक्स गया है ना, वो एक पिक्सल के 3 चैनल गया है इनपुट में, यहाँ पे वो इमेज नहीं गई है, ठीक है, इसलिए ये 1x1 है। ये नेटवर्क में 1x1 कैसे हुआ फिर? तो ये डेटा के लेवल पे हो गया ना, कि जो हम डेटा पास कर रहे हैं वो वन का मतलब वो हम एक जो ही पिक्सल आप, पास कर रहे हैं, बट ये हाँ, नेटवर्क अगर लेवल आप पे उसको कैसे इमेज हुआ? भेजोगे ना, एक पूरी इमेज भेजोगे, है ना, मान लो आपने इमेज भेज दी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इमेज की सारी डायमेंशन को इकट्ठे लगा देगा, ठीक है, मतलब एक ही डायमेंशन से कंसीडर कर लेगा उसको, 1x1 वाला, ठीक है। तो वो फुली वो जो होता है ना, क्या होता है, वो इमेज की सारी डायमेंशन लेगा, उसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब मतलब ये डेटा की साइड पे, ऐसे सुनने में लग रहा है कि ये डेटा की साइड पे है ना, कि मतलब आपने बस इनपुट बदल दिया, ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपका, जैसे मैं बोलूं कि 2x2 कॉन्वोल्यूशन के अंदर जो है ना, मतलब ये अभी अच्छे से इन्होंने, मतलब ये जो है ना, जैसे रुको कैसे बताऊं, एक बार फिर पूछो। मतलब बेसिकली सी कोड लेवल पे तो 1x1 कहाँ हो रहा है समझ नहीं आ रहा। सो तुम कह रहे हो कि सिंगल कोड एक लेवल पिक्सल पे अगर वन पास क्रॉस कर रहे वन हैं। वन क्रॉस वन क्या करता है, क्या है ये पता है, हाँ क्या करेगा, जो आपके पास इनपुट आएगा उसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, बस। 1x1 क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिंपल है ना, तो हुआ क्या उससे? कुछ नहीं हुआ बस, मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है बस, ये जो कि इन्वर्टेबल है। हमने स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हमारे को वो का क्या चीज थी, जो सबसे स्टार्टिंग वाला हमारे पास नेटवर्क था, अच्छा जो, समझ गया, ये एक बार सुनो सुनो सुनो, जो उनका ये अफाइन कांस्टेंट फ्लो था, इसमें हमारे पास एन इनपुट से, ठीक है, और हमारे को एन इनपुट से, जैसे रुको एक बार फोटो दिखाता हूँ, हाँ, जैसे हमारे पास पहले हमने अफाइन कांस्टेंट फ्लो के अंदर क्या था कि हमारे पास एन इनपुट से, ठीक है, और हमें इनसे एन इनपुट्स बनाने का हमारे पास मन था, ठीक है, हमारा मन था कि एन इनपुट्स नए बना दे, ठीक है, लेकिन हमने हमने क्या कहा था कि हम सिर्फ ये आई एलिमेंट से ही बनेगा, ठीक है, ऐसे कंस्ट्रेंट कर दिया था, ठीक है, हमने फुल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रखने ही नहीं दिया था बंदे को, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट डिपेंड ही नहीं होने दिया था, ठीक है, क्योंकि हम चाहते थे कि इन्वर्टेबल हो, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि हमने कहा कि चलो हम अफाइन कांस्टेंट फ्लो बनाते हैं। अफाइन कांस्टेंट फ्लो में क्या कहा कि आधे एलिमेंट्स को हम कॉपी कर देंगे, आधे एलिमेंट्स को हम आधे एलिमेंट्स का हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बेस्ड ऑन सम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बेस्ड ऑन सम एस एन टी वी ऑब्टेन फ्रॉम अदर हाफ ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी भी हमने क्या कहा था कि ये वाले एलिमेंट जो थे, है ना, जो सीधा कॉपी होके आ रहे थे, ये वाले इन पे डिपेंड नहीं हो रहे थे। अभी भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले लेवल तक नहीं पहुंचे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसी कनेक्टिविटी हमने ऑब्टेन नहीं करी, हमारे इस रो के सारे एलिमेंट्स, इस रो के सारे एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं हुए जब हमने अफाइन कॉन्स्टेंट फ्लो इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। फिर अब हमने अफाइन कांस्टेंट फ्लो के बाद ये जो इनवर्स ऑटो रिग्रेसिव और ये सब कुछ इस्तेमाल किए, इसके अंदर भी क्या था कि जो इस वाली रो का आई एथ एलिमेंट था, वो इस वाली रो के 1 से i-1 एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है,
इस वाले रो का आई एथ एलिमेंट इस वाले रो के आई एथ और उससे बड़े एलिमेंट से डिपेंड अभी भी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आई एफ के अंदर भी फुल कनेक्टिविटी नहीं थी इतनी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास रन क्रॉस रन कन्वर्जेशन है, इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल फुल कनेक्टिविटी आ गई है, ठीक है। सारे एलिमेंट से बन रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट से बन रहे हैं। बीच वाली जो मेट्रिक्स है वो जो है वो इन्वर्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए अभी हमें मतलब अभी हम पहले आई ए एफ और ये अफाइन कॉन्स्टेंट रो ये सारे ये फुल कनेक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ताकि ये इन्वर्स कर पाए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम फुल कनेक्टिविटी रखते हैं और हम ये एलयू डिकम्पोजिशन वाला तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं इन्वर्स करने के लिए अच्छे से, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का लॉग डिटरमिनेंट अच्छे से कैलकुलेट हो जाए, इसलिए हम एलयू डिकम्पोजिशन वाला तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल फुल कनेक्टिविटी बना रखी है दो लेयर के बीच, ठीक है। तो ये फायदा है।